से है जहां पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोरोना संदिग्धों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, साथ ही इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। गुरुवार को भरतपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसको लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि मरीज को जयपुर रेफर किया गया है, साथ ही अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वह पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। चार सौ चौंतीस लोग ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रखा है, और इन 434 में से अभी तक पूरे जिले की तरफ से 220 सैंपल जयपुर टेस्टिंग के लिए भिजवाए गए थे। 218 की रिपोर्ट आ गई है जो नेगेटिव है, 217 की नेगेटिव है, एक इसमें पॉजिटिव पाया गया है। जो पॉजिटिव है वो कामा तहसील का एक ग्राम है जुरहरी, और उसकी पंचायत लगती है पाई। वहाँ का रहने वाला फारूक है, उसके पिताजी का नाम सुब्रती है, और उसको अभी जयपुर रवाना कर रहे हैं। उसके साथ जो जमात के 13 लोग और थे उनकी भी रिपोर्ट कल हमने भिजवाई गई थी, वो नेगेटिव आई है, लेकिन इनको हम अगले 14 दिन तक और अभी यहाँ क्वारंटाइन में यहीं रखेंगे। कोर्ट से भेज रहे हैं, कोई कुछ और भेज रहे हैं, कोई कुछ और भेज रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान ना दें। सरकार की तरह काम करेगी। अगर कोई गलत व्हाट्सएप भेजेगा, जनता को भड़काने का काम करेगा, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि आज कोरोना वायरस जो है ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, और भारत में अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कहां कहां और स्पॉट्स में आ रहा है, लेकिन इसमें जनता अगर खुद ही बाहर निकल के और एक दूसरे को इन्फेक्ट करे, वो उससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना पुलिस रोक सकती, ना कोई प्रशासन रोक सकता, ना कोई सरकार रोक सकती। तो जनता को भी एहतियात बरतना पड़ेगा। जब तक एहतियात नहीं बरतेंगी जनता, जब तक हमारा काम जो हम चाहते